कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुए घोटालों को उजागर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों को एकदम खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाकई हत्या के बाद महात्मा गांधी की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। इससे आधिकारिक तौर पर यह पता नहीं चल सका है कि आखिर हत्यारे नाथूराम ने उन पर कितनी गोलियां चलाई थी। हालांकि गोडसे ने अपने बयान में कहा था कि वो गांधी जी पर केवल दो गोलियां चलाना चाहता था, लेकिन उससे तीन चल गई। जबकि कई लोग ये दावा कर रहे थे कि उसकी रिवॉल्वर से तीन नहीं बल्कि चार गोलियां चली थी। बहरहाल गोली लगने के बाद महात्मा गांधी को घायल अवस्था में किसी अस्पताल नहीं ले जाया गया, बल्कि उन्हें वहीं घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया और उनका शव उनके आवास बिरला हाउस में रखा गया। जबकि कानून ये कहता है यदि किसी पर गोलीबारी होती है और उसमें उस व्यक्ति को गोली लगती है तब उसे सबसे पहले पास ही अस्पताल में ले जाया जाता है और वहाँ मौजूद डॉक्टर बॉडी का प्रशिक्षण करते हैं और उसके बाद वो मृत है या नहीं ये घोषित करते हैं। दरअसल गांधी की हत्या से जुड़े हर पहलू को नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने अनावश्यक रूप से रहस्यमय बना दिया। देश के लोग आज तक भी ढेर सारे पहलुओं से अनजान हैं। गांधी की हत्या करीब 7 दशक पहले हुई थी। यहाँ तक कि गांधी जी के जीवन के नेगेटिव पहलू को उभारते हुए जितनी भी पुस्तक छपी थी सब पर कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे बाद में लेखक और प्रकाशक कोर्ट के दरवाजे खटखटाते थे और कोर्ट के आदेश के बाद ही वो प्रतिबंध हटाया जाता था। गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने अपने इकबालिया बयान में साफ तौर पर कहा था कि गांधी जी की हत्या केवल उसी ने की है, इसमें कोई ना तो शामिल है और ना ही कोई साजिश रची गई है। गांधी की हत्या के लिए खुद गोडसे ने माना था कि उसने एक इंसान की हत्या की है, इसलिए उसे फांसी मिलनी चाहिए। इसी आधार पर गोडसे ने जज आत्माचरण के फांसी देने के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की। देश के विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार मानने वाला नाथूराम गोडसे चाहता था कि गांधीवाद के पैरोकार उससे आकर गांधीवाद पर चर्चा करें, ताकि वो साबित कर सके कि गांधीवाद से देश को कितना नुकसान हुआ है। गांधी की हत्या के बाद नाथूराम को पहले दिन तुगलक रोड स्थित पुलिस स्टेशन की हवालात में रखा गया था। उस समय गांधी जी के छोटे पुत्र देवदास गांधी गोडसे से मिलने आए थे। दरअसल देवदास को लगा था कि किसी सरफिरे विद्रोह या असभ्य आचरण वाले व्यक्ति ने उनके पिता की हत्या की होगी, लेकिन जैसे ही वो हवालात पहुंचे गोडसे ने उन्हें पहचान लिया और कहा, मैं समझता हूं आप श्रीयुत देवदास गांधी हैं। इस पर देवदास खासे हैरान हुए। उन्होंने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? इस पर नाथूराम ने कहा, हम लोग एक संपादक सम्मेलन में मिल चुके हैं, वहां आप हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के नाते और मैं हिंदू राष्ट्र के संपादक के नाते आया था। नाथूराम ने कहा, आज आप मेरी वजह से अपने पिता को खो चुके हैं, आप और आपके परिवार पर जो वज्रपात हुआ है उसका मुझे खेद है। मैंने गांधी जी की हत्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से की है। आप पुलिस से पूछिए, अगर पुलिस मुझे और आपको 1.25 घंटे का वक्त दे तो मैं आपको बता सकूंगा कि मैंने गांधी जी की हत्या आखिर क्यों की। हालांकि उस समय पुलिस वालों ने देवदास और गोडसे की मुलाकात को 3 मिनट से ज़्यादा नहीं चलने दिया, जिससे गांधी की हत्या पर गोडसे और देवदास के बीच चर्चा नहीं हो सकी। दरअसल नाथूराम गांधी की हत्या पर गांधीवादियों से चर्चा करना चाहते थे, वो अपना पक्ष रखना चाहते थे। 17 मई 1949 को गांधी जी के तीसरे पुत्र रामदास ने एक लंबा और भावपूर्ण पत्र भेजा और ये एहसास कराने की कोशिश की कि गांधी जी की हत्या करके नाथूराम ने एक ऐसी गलती की है जिसका एहसास उसे नहीं है। तब नाथूराम ने उससे भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए अपील की थी। रामदास ने अपने पत्र में लिखा था, मेरे पिताजी के नाशवान देह का ही आपने अंत किया है और कुछ नहीं, इसका ज्ञान आपको एक दिन जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 3 जून 1949 को रामदास को भेजे गए पत्र के जवाब में नाथूराम ने उनसे मिलने की और गांधी जी की हत्या पर बात करने की तीव्र इच्छा जाहिर की। हालांकि उसके बाद रामदास और नाथूराम के बीच कोई पत्रों का आदान प्रदान नहीं हुआ। रामदास नाथूराम से मिलने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तभी नेहरू जी ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। इस तरह गांधी जी की हत्या पर बहस की नाथूराम की इच्छा अधूरी की अधूरी रह गई। दरअसल नाथूराम ने एक बालिया बयान में ये स्वीकार किया था कि गांधी जी की हत्या केवल
उसी ने ही की है। नाथूराम ने अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे को बताया, शुक्रवार शाम 4:50 पर मैं बिड़ला हाउस के भवन में पहुंच गया। मैं 4-5 लोगों के झुंड के साथ अंदर जाने में कामयाब रहा। वहां मैंने खुद को भीड़ में छुपाए रखा ताकि किसी को मुझ पर कोई शक न हो। मैंने ठीक 5:10 पर गांधी जी को अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाते हुए देखा। मैं सभा स्थल की सीढ़ियों के पास खड़े लोगों के साथ खड़ा होकर इंतजार करने लगा। गांधी जी 2 लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर चले आ रहे थे। जब गांधी जी मेरे करीब पहुंचे तब मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर सेफ्टी कैच खोल दिया। अब मुझे केवल 3 सेकंड का समय चाहिए था। मैंने पहले गांधी जी को उनके महान कार्यों के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दोनों लड़कियों को उनसे अलग करते हुए फायर कर दिया। मैं केवल 2 गोली चलाना चाहता था लेकिन मुझसे 3 गोलियां चल गई और गांधी जी आह कर वहीं जमीन पर गिर पड़े। गांधी जी ने हे राम का उच्चारण नहीं किया था। तब नाथूराम ने फौरन डॉक्टर बुलाकर अपनी जांच कराने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर के आते ही उन्होंने डॉक्टर से बोला, आप मेरे शरीर का चेकअप कीजिए। डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें पूरी तरह से फिट बताया। तब नाथूराम ने बताया, ऐसा मैंने इसलिए कराया था क्योंकि गांधी जी की हत्या मैंने अपने पूरे होशो हवास में की है, इसलिए मैं चाहता था कि कोई डॉक्टर मुझे फिट घोषित करे। बहरहाल गांधी की हत्या को साजिश साबित करके और नाथूराम गोडसे के साथ उनके मित्र और सहयोगी नारायण आप्टे उर्फ नाना को अंबाला जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन गांधी की हत्या से जुड़े ऐसे कई पहलू हैं जिन्हें लोग आज तक नहीं जानते। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी की बात मानकर महात्मा गांधी की हत्या के हर पहलू पर चर्चा होना बहुत जरूरी है ताकि लोग जान सकें आखिर क्या है गांधी जी की हत्या का रहस्य।